नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर तन्वी मयूर पटेल। मैं एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर हूँ मुंबई से। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि दिन प्रतिदिन कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और इसी वजह से हमारे सरकारी और निजी अस्पतालों में बेड की उपलब्धता नहीं है। तो जिन मरीजों का संक्रमण हल्का मामूली सा है या तो जिनको संक्रमण होने की संभावना है उनको घर पर ही इलाज करना है। तो सबसे पहले सवाल आता है कि घर पर इलाज कैसे करें। जी हाँ, आपकी इसी दुविधाओं का उत्तर देने के लिए मैंने ये खास वीडियो बनाया है। तो इसके द्वारा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि घर पर आप इलाज कैसे करें। उस ये वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको दो तीन बहुत सी इंपॉर्टेंट सूचना दे देना चाहती हूँ। सबसे पहला, ये वीडियो के द्वारा मैं आपको सिर्फ ट्रीटमेंट की गाइडलाइंस बता रही हूँ, मैं आपको ट्रीटमेंट नहीं बता रही। अगर आपको लग रहा है आपको संक्रमण है तो आप अपने डॉक्टर या तो नज़दीकी अस्पताल की सहायता ज़रूर लीजिए। दूसरा, खास करके उन मरीजों जिनको क्रॉनिक कंडीशन है, जैसे हृदय विकार है, फेफड़ों की बीमारियां है, या तो फिर किडनी प्रॉब्लम है, या तो फिर कैंसर से पीड़ित है, वो मरीज अपनी कुछ भी ट्रीटमेंट शुरू करने के पहले डॉक्टर को ज़रूर पूछे। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। उसके पहले हम जान लेते हैं कि कोरोना संक्रमण के लक्षण क्या क्या है, जैसे बुखार आना, सिर दर्द, बदन दर्द, खांसी, जुकाम, जुलाब हो सकता है, या तो फिर आपको स्वाद में परिवर्तन है, या तो आपको गंध में परिवर्तन है, भूख की कमी, ये सभी लक्षण हो सकते हैं। जैसा कि बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, डेंगू, मलेरिया, टाइफॉइड, ये सभी रोग काफ़ी कॉमन हो चुके हैं। तो ये सब लक्षण और कोरोना संक्रमण के लक्षण कभी कभी एक समान हो सकते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको संक्रमण है तो आप अपनी जांच जरूर करवाइए। और अगर आपको जांच में पता चलता है कि ये आपका कोरोना संक्रमण है तो दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले, आपको घबराना नहीं है। जी हाँ, दिन प्रतिदिन जिस प्रकार अखबारों में, मीडिया में समाचार आते जाते हैं, लोग बहुत भयभीत से हो चुके हैं, ये जरूर समझ लीजिए कि ये कोरोना का संक्रमण 80 से 90% लोगों को ठीक हो जाता है अगर उनको अच्छी से सारवार मिल जाए तो। सिर्फ 5 से 10% लोगों का ही कॉम्प्लिकेशंस होता है, जो हाँ, मृत्यु दर भी ज्यादा है। और दूसरी बात, आपका ये संक्रमण जो आया है ये आपको छुपाना नहीं है। आप अपने नज़दीकी स्वास्थ्य कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, या तो आपका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आपके शहर का, उसको ज़रूर बताएं। ऐसा करने से आप एक जिम्मेदार जागरूक नागरिक का तो कर्तव्य बचाएंगे, साथ ही साथ ये संक्रमण को और फैलने से कम करेंगे। ये आपका संक्रमण कम करने में काफ़ी मदद रूप हो सकते हैं ये लोग आगे चल के। तो आपको छुपाना नहीं है। तो अब चलिए शुरू करते हैं कि आपको ये संक्रमण से ठीक होने के लिए घर पर आपको किन किन चीज़ों की उपलब्धता होनी चाहिए। सबसे पहले मेरे पास है ये मास्क, मेरे पास ये N95 वाला मास्क है। अगर आपके पास ये मास्क नहीं है तो कोई भी सादा डिस्पोजेबल मास्क आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप ये मास्क इस्तेमाल कीजिए, आपका नाक और आपका मुंह ढके रहना चाहिए। डिस्पोजेबल मास्क आपको वापस पहनना नहीं है, आपको इसका इस्तेमाल करके आपको कूड़ेदान में फेंक देना है। अगर आपको कपड़े वाला मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आप पानी, सादे पानी, साबुन वाले पानी सब धो के इस्तेमाल कर सकते हैं। मास्क हमेशा पहनना ज़रूरी है। उसके बाद में दूसरा है मॉनिटरिंग चार्ट। जी हाँ, मैंने ये मॉनिटरिंग चार्ट बनाया है। आप ऐसा एक चार्ट बनाइए, ये आपको आपका पूरा सेहत को मॉनिटर करने में हेल्पफुल होगा। और अगर आगे चल के अगर आपकी सेहत बिगड़ती है और आपको अस्पताल में या डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा तो ये चार्ट आपको वहाँ पे बहुत ही फायदेमंद होगा। तो ये चार्ट में क्या क्या चीज़ें लिखी है, एक तो है डेट और टाइम, यानी कौन से दिन और कौन से वक्त पे आपने मॉनिटरिंग किया है। उसके बाद में पल्स रेट, और उसके बाद में SpO2 यानी ऑक्सीजन सेचुरेशन, ये दोनों आपको कैसे नापना है मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। उसके बाद में है टेम्परेचर यानी आपके शरीर का तापमान, खास करके अगर आपको बुखार है तो। उसके बाद में दो चीज़ें ऑप्शनल है, अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको ब्लड शुगर मॉनिटरिंग करना है, और अगर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो आपको ब्लड प्रेशर भी मॉनिटरिंग करना है। उसके बाद में यूरिन आउटपुट, साधारण केस में इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम है तो ये ज़रूर नापिए। और उसके बाद में सिम्टम्स यानी आपके लक्षण, अगर आपकी तबीयत बिगड़ती है, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तो ये चार्ट उनको भी काफ़ी मदद रूप हो जाएगा। उसके बाद में तीसरी चीज़ है, ये है पल्स ऑक्सीमीटर। ये छोटा सा डिवाइस आता है, बहुत सी कंपनियों का आता है, आप अपने नज़दीकी मेडिकल दवाई की दुकान में मिल जाएगा, 1,000 से 3,000 की रेंज में आता है। इसको इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है, पहले तो हम इसको ऑन कर देते हैं और इसको आपको उंगली में लगा देना है। ये आपको दो चीज़ें दर्शाती है, पहला है पल्स रेट यानी दिल की धड़कन, साधारण केस में 60 से 90 दिल की धड़कन 1 मिनट में बचती है।
और दूसरा है आपको है ऑक्सीजन सेचुरेशन। ऑक्सीजन सेचुरेशन हमारे फेफड़ों में कितना ऑक्सीजन की मात्रा है, साधारण केस में 94 से 100% रहता है। अगर आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होते जा रहा है तो ये खतरनाक साइन हो सकती है, और हो सकता है कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो और आपको और कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो मेरे केस में ये अभी ऑक्सीजन सेचुरेशन 97 दिखा रहा है और मेरा हार्ट रेट अभी 90 दिखा रहा है। तो ये हो गया पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर के बाद में आपको नेक्स्ट चीज़ की उपलब्धता लगेगी, ये है थर्मोमीटर। खास करके अगर आपको बुखार है तो मेरे पास ये दो किस्म के थर्मोमीटर है। पहला है नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर, जहाँ पे आपको शरीर को इसको छूने की ज़रूरत नहीं है, या आप अपने कपाल से थोड़ी दूरी पे रखिए, आपको आपका बॉडी का तापमान बताएगी। साधारण केस में 97 से 99 बॉडी का तापमान रहता है, अगर इससे ज़्यादा है तो उसको हम बुखार कहते हैं। दिन में 2 बार आपको आपका टेम्परेचर नापना है। अगर आपके पास ऐसा नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर नहीं है तो आप इस साधारण से थर्मोमीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको आपको मुंह में या तो बगल में रख के आप बॉडी का तापमान चेक कर सकते हैं। उसके बाद में ये एक ऑप्शनल है, अगर आपको डायबिटीज की शिकायत है तो आपको ऐसे ग्लूकोमीटर अवेलेबल है, ये आपका ब्लड शुगर मॉनिटरिंग करता है, आपको पता चलेगा आपका डायबिटीज कंट्रोल में है या नहीं है। अगर आपको डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है तो डॉक्टर को जरूर पूछे, और जो भी डायबिटीज की आपकी दवाइयाँ या तो इंसुलिन है वो आपको चालू रखना है। उसके बाद में ये भी एक ऑप्शनल है, अगर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो आप अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग कीजिए, दिन में 2 बार मॉनिटरिंग कीजिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर कम होते जा रहा है या तो फिर बढ़ते जा रहा है, तो ये दोनों सिचुएशन में आप अपने डॉक्टर को ज़रूर पूछिए। उसके बाद में है इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर। जी हाँ, रोग प्रतिकारक क्षमता को ये बढ़ाती है। कुछ विटामिन है जो आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता में हेल्पफुल है, जैसे ये है विटामिन सी, मेरे पास ये 1000 मिलीग्राम की गोली है, जिसको आप दिन में 1 से 2 बार पानी में घोल के ले सकते हैं। अगर आपके पास विटामिन सी की गोलियाँ नहीं है तो नेचुरल विटामिन सी जैसे कि आंवले का रस हो गया है, तो नींबू पानी हो गया है, तो संतरे का रस हो गया, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरा है जिंक और विटामिन डी। जिंक है इधर 25 मिलीग्राम और विटामिन डी है इधर 100 यूनिट। तो अगर आपके पास विटामिन डी की गोली नहीं है तो आप जैसे सूर्य प्रकाश की रोशनी हो गई, वहाँ पर आप बैठ सकते हैं, दिन में 10-15 मिनट बैठे, आपका बॉडी खुद ही विटामिन डी बनाता है। फिर आ जाता है हमारे देसी नुस्खे, जिसमें आप अदरक हो गया, नीम है, हल्दी है, तुलसी है, काली मिर्च, लौंग है, ये सबको आप कूट के उसका काढ़ा बना सकते हैं, और काढ़े को आप ऐसे एक थर्मोस में रख सकते हैं जो आप पूरे दिन पीते रहिए। ये काढ़ा भी आपकी इम्यूनिटी को काफ़ी हेल्पफुल होगा। उसके बाद में हाइड्रेशन। हाइड्रेशन यानी पानी, जितना पानी पियेंगे उतना आपका संक्रमण ठीक से जल्दी से ठीक हो जाएगा। तो अगर आपको सादा पानी पसंद नहीं है तो नींबू पानी हो गया, फलों का रस हो गया, तो वार्म सूप, गर्म सूप पी सकते हैं, जो आपके गले में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद में है नींद और आराम। जी हाँ, जितना ज़्यादा हो सके आप आराम कीजिए, आपका हीलिंग फास्ट होगा। उसके बाद में है पौष्टिक बैलेंस डाइट। खास करके आपके आहार में प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए। प्रोटीन आपको दाल में, चिकन में, अंडों में मिल जाता है, दूध, दही, पनीर, ये सब में प्रोटीन है। जितना ज़्यादा प्रोटीन रहेगा आपका हीलिंग उतना ही अच्छा रहेगा। उसके बाद में अगर आपको खास करके अगर आपको सर्दी है तो आप इसको स्टीम इन्हेलेशन, जिसको कहते हैं भाप, ले सकते हैं। मेरे पास ये स्टीमर है। अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो आप एक सादा सा तपीला में पानी को उबाल लीजिए और उससे भी आप स्टीम ले सकते हैं। और स्टीम में आप विक्स वेपोरब हो गया, जैसे कि विक्स वेपोरब है, या तो फिर नीलगिरी का तेल है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके गले में आपको खराश है, ऐसा है, तो आप गर्म पानी, नमक वाले पानी का कुल्ला कर सकते हैं। और अगर आपके नाक में संक्रमण है तो उसके लिए आप नेजल सलाइन बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। 2 कप जितना उबला हुआ पानी लीजिए, इसको ठंडा हो जाने के बाद में उसमें 1 चम्मच भर नमक, 1 चुटकी भर सोडा बाइकार्बोनेट और 1 चुटकी भर बेटाडीन का कॉन्सेंट्रेटेड बना सकते हैं, और इससे आप नेजल सलाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में आपको लगेंगे कुछ प्राथमिक किट, जैसे फर्स्ट एड किट कहते हैं, मेरे पास कुछ दवाइयाँ हैं जो आपको हेल्पफुल हो सकती है। जैसे ये है पैरासिटामोल, अगर आपको बुखार है या तो फिर आपको बदन दर्द है तो पैरासिटामोल आप ले सकते हैं। 500 से 650 मिलीग्राम की गोली आती है, दिन में 2 से 3 बार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको एसिडिटी की शिकायत है तो आप जेलुसिल हो गया, पुदीन हरा हो गया, ऐसा इनो हो गया, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये है जेलुसिल। अगर आपको खांसी है तो खांसी के लिए आप जैसे अदरक और शहद का रस हो गया, या तो फिर आप खांसी के लिए ये जो कॉफ सिरप आती है,
ये इसमें दो किस्म के कॉफ सिरप है, ये है मेरे पास टस्क्यू डीएक्स के ड्राई कॉफ के लिए, सादी सूखी खांसी के लिए। अगर आपको बलगम आता है तो इसमें एक्सपेक्टोरेंट की वाली भी खांसी की सिरप आती है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गले में खराश लग रहा है तो आप लोजेंजिस जो को कहते हैं उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको जुलाब है तो आप पानी पीते रहिए, ORS ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन है वो आप पीते रहिए, आपको काफ़ी मदद रूप होगा। उसके साथ साथ मैं कुछ ऐसी दवाइयाँ मैं बताना चाहती हूँ जो थोड़ी कंट्रोवर्सी में रही है, जहाँ पे उसका फ़ायदा है या नहीं है ये एक डाउटफुल सिचुएशन में है। तो सबसे पहले है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन HCQ। ये दवाइयाँ साधारण केस में मलेरिया के और रिमेटोड आर्थराइटिस में हम इस्तेमाल में करते हैं। ये दवा फ़ायदेमंद होगी या नहीं ये एक डाउट में है, लेकिन अगर आपको हृदय विकार है तो ये आप दवा लेने के पहले ज़रूर सोचें, इसमें ECG के काफ़ी चेंजेस आते हैं। दूसरा है स्टीरॉयड। स्टीरॉयड एक बहुत ही लाइफ सेविंग ड्रग है, ये हम बहुत के मरीज इसका इस्तेमाल करते, खास करके अस्थमा के मरीज या तो फिर कैंसर से पीड़ित लोग। अगर आप ये दवा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको उसका पावर कम करना है या ज़्यादा करना है या बंद करना है, ये आप अपने डॉक्टर को ज़रूर पूछिए। तीसरा है एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन एक बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल में होता है, जबकि कोरोना का संक्रमण एक वायरस का संक्रमण है, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल एक थोड़ा डाउट में है। और चौथा है जो हाल ही में अभी लॉन्च हुई है फेविपिराविर, जो फेबीफ्लू के नाम पे हमारे देश में उपलब्ध है। ये दवा एक प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड दवा है, तो आप अपना खुद से इसको परचेस नहीं कीजिए तो बेटर रहेगा, डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए। अगर आपके डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है तो उसकी गोलियां आपको बंद नहीं करनी है, इंसुलिन के इंजेक्शंस बंद नहीं करने। और अगर आपको सर्दी जैसा लग रहा है तो ये दवा है जिसमें सेट्रिजिन और फिनाइलेफ्रिन का कॉम्बिनेशन है, और ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो हो गई कुछ प्राथमिक उपचार की दवाइयाँ। अब चलिए जानते हैं कि घर पर अगर आप इलाज कर रहे हैं तो आपको कहाँ पे करना है। अगर आपके घर में एक अलग सा कमरा है जहाँ पे संडास बाथरूम की सुविधा उपलब्ध है तो आप ऐसे ही कमरे का चुनाव कीजिए। बाकी के घर के सदस्यों से आप दूरी बनाए रखें, खास करके बड़े बुजुर्ग, छोटे बच्चे और गर्भवती महिलाएं। अगर आपके पास ऐसा कमरा नहीं है तो आप सादे कमरे में इस्तेमाल कीजिए और कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर की खिड़कियाँ और दरवाजे खुले रखें, ताकि क्या होता है उसे सूर्यप्रकाश की रोशनी आती है और एक वो नेचुरल डिसइंफेक्टेंट का काम करती है और आपका विटामिन डी भी बनाती है और ये एक पॉजिटिविटी भी लेके आती है। घर के साधारण घर की जो साधारण स्पेस है जैसे किचन हो गया, रसोई घर है, लिविंग रूम है, वहाँ पे आप ज़्यादा घुले मिले नहीं, लोगों को आपके परिवारजनों को सब फैमिली फ्रेंड्स को घर पर ना बुलाएं आपकी सारवार के लिए। अगर आपको लग रहा है कि आपकी सेहत नाजुक है और आपको किसी और की सहायता की आवश्यकता है तो आप कैसे ऐसे तंदुरुस्त व्यक्ति का चुनाव कीजिए जो खुद काफ़ी सेहतमंद है। आप सेहत जब आप किसी की देखभाल कर रहे तो मास्क ज़रूर पहनिए, हाथ अच्छे से साबुन से पानी से धो लीजिए, अगर वो नहीं है तो नेचुरल जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना बन पाए आपके आसपास के पर्यावरण को साफ सुथरा रखें। घर पे अगर आप पोछा लगा रहे तो 0.1% सोडियम हाइपोक्लोराइड का जो सोल्यूशन है उसका इस्तेमाल कीजिए। अब चले जानते हैं कुछ फेफड़ों की एक्सरसाइज। जी हाँ, कोरोना संक्रमण सीधा हमारे फेफड़ों पे असर करता है, तो हमारे फेफड़े जितने ज़्यादा हेल्दी है उतना अच्छा है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले स्मोकिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपको बीड़ी धूम्रपान नहीं करना है। दूसरा, आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, आप डीप ब्रीदिंग प्राणायाम कर सकते हैं, या तो फिर आप एक बॉटल में पानी भर दीजिए और उसमें एक स्ट्रॉ के द्वारा आप बुलबुले कर सकते हैं, तो उससे भी आपका फेफड़ों की एक्सरसाइज होती है। या तो आप गुब्बारे फुलाने की जो एक्सरसाइज है वो भी आप कर सकते हैं, उससे भी आपका फेफड़ों में काफ़ी हेल्पफुल होता है। अब चलिए जानते हैं कि अगर आप घर पे बैठे हैं तो आपको कैसे बैठना है। अगर आप बैठ रहे हैं तो 30 से 45 डिग्री का एंगल पे बैठना है। मैंने एक इमेज यहाँ पे पोस्ट किया है जिसमें कैसे बैठना है वो दिखाया है। अगर आप लेट रहे हैं तो आपको कैसे लेटना है, आपको आपके पेट के बल लेटना है, जिसको हम प्रोन पोजीशन कहते हैं। और ऐसे प्रोन पोजीशन में जब आप लेटेंगे तो अगर आपके पास उपलब्ध हो तो ऐसा एक डोनट शेप का, जिसको हम पिलो कहते हैं, ये डोनट शेप का पिलो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप ऐसे अपना मुंह रख सकते हैं और पेट के बल सोइए। उससे क्या होगा, आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी और आपका ऑक्सीजन लेवल डाउन नहीं होगा। अगर आप सो रहे हैं तो कैसे सोना है, तो सोने की एक खास पोजीशन है जो आपको
फेफड़ों के लिए काफ़ी मदद रूप है। तो ये पोजीशन कैसे है, मैंने यहाँ पे इमेज डाला हुआ है, मैं आपको बताती हूँ। हर एक घंटे पे आपको आपका पोजीशन चेंज करना है। तो पहले एक घंटे पे आपको आपके पेट के बल सोना है, एक घंटा होने के बाद में आपको करवट बदल के दाहिनी ओर सोना है, उसके एक घंटे के बाद में आपको 30 से 45 डिग्री के एंगल पे बैठना है, उसके बाद एक घंटे आपको बाईनी ओर सोना है, और उसके एक घंटे के बाद आपको वापस पेट के बल सोना है। तो यानी टोटल पोजीशन में 5 से 6 बार आपका पोजीशन चेंज होते जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपके फेफड़ों में अच्छे से ऑक्सीजन पहुंचेगा। ज़्यादा अगर आप सो रहे हैं तो थोड़ा अवॉइड कीजिए, इसके वजह से क्या हो सकता है, आपको बेड सोर्स हो सकते हैं, या तो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म भी किसी किसी को हो सकता है। तो ये आप ख्याल ज़रूर रखिए। तो ये हो गया आपको कैसे आराम करना है। अगर आपकी सेहत अच्छी है, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो घर पर ही बैठे आप थोड़ा बहुत हल्का फुल्का एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये आपका ब्लड प्रेशर शुगर तो अच्छा रखेगा ही, साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी को भी बहुत अच्छे फायदेमंद होगा। आप चले जानते कि किन सिचुएशन में आपको अस्पताल में जाना है या तो डॉक्टर को इमरजेंसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग को समझ नहीं आता कि कब हम डॉक्टर के पास जाए, कब हम अस्पताल में जाए। तो अगर आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होते जा रहा है, जैसे कि आपने वो नापा और आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होते जा रहा है, या तो फिर आपका बुखार कम नहीं हो रहा है या तो बुखार बढ़ते ही जा रहा है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपको चेस्ट पेन छाती में दर्द हो रहा है, या तो फिर आपको कन्फ्यूजन है, चक्कर आ रहे हैं, या तो आपका ओंठ, आपके नाक, ये सब आपका बॉडी का जो पार्ट्स है ये ब्लू यानी नीले रंग का पड़ते जा रहा है, तो भी ये सब हो सकता है इमरजेंसी साइन। खास करके अगर आपका किडनी का प्रॉब्लम है और आपके पेशाब की मात्रा कम होते जा रही है, जिसको यूरिन आउटपुट कम होते जा रहा है, तो भी ये सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो ये सभी सिचुएशन में आपको अपने डॉक्टर को तुरंत इन्फॉर्म करना है और हो सके तो अस्पताल में जाना है। मैं आशा करती हूँ मेरे इस वीडियो के द्वारा आपको काफ़ी माहिती मिली होगी कि कोरोना संक्रमण का हम घर पर ही कैसे इलाज कर सकते हैं। घर पर रहिए, तंदुरुस्त रहिए, सुरक्षित रहिए। आज के लिए इतना ही। मेरा नाम है डॉक्टर तन्वी पटेल, एंडोक्रेनोलॉजिस्ट फ्रॉम मुंबई। नमस्ते।